पता होगा। दोस्तों यहाँ घर के अंदर टीन में गेहूं सांप लटका हुआ है, तो देख सकते हैं इसे पकड़ने के लिए बुलाया गया है। यह सांप जो है टीन में फंस गया है दोस्तों, इस वजह से निकल नहीं पा रहा है। अबे आ, तो इसे हम लोग काफ़ी सावधानी से निकालते हैं। देख सकते हैं कोबरा सांप घर के अंदर फंस गया है। घर तो ये देख सकते हैं अंदर से मुंह खोल, घर के अंदर आ गए हम लोग। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सांप किस तरह से बैठा हुआ है, आ गया है, फंस गया है दोस्तों। तो इसे चलिए हम लोग बहुत ही सावधानी से निकालते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यही सांप है। सुबह सुबह इनके घर में दर्शन हो गया है सांप का, काफी खतरे वाली बात है, जहरीला सांप है दोस्तों। तो ये देखिए कैसे देख पा रहे हैं सांप जो है घर में घुसने के क्रम में जो है यहाँ फंस गया है। पहुंचावेगा देखिएगा, ठीक है ठीक है। तो सांप देख रहा है इधर ही, तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग निकालते हैं बहुत सावधानी और सुरक्षित पूर्वक। आइए साथियों इसे हम लोग निकालते हैं, मुंह इसका यहीं पर है। तो देख सकते हैं हम लोगों ने इसे छुड़ा लिया है, चलिए इसे लेकर हम लोग उधर चलते हैं। पीछे चलो, पीछे चलो। साथियों काफी एक्टिव कोबरा है और बहुत गुस्से में भी है। देख सकते हैं दोस्तों कोबरा सांप कितना गुस्सा में है, और क्या है कि इनके घर में घुसने की कोशिश में था यह सांप। शिकार करने के दरमियान जो है चूहे के, देख सकते हैं कैसा जंप लेता है, कितने खतरनाक तरीके से यह सांप। क्या है कि यह जो है घर घुसना चाह रहा था, घर के अंदर आना चाह रहा था, तो ये तो अच्छा हो गया कि सांप जो है टीन में फंस गया और लोगों की लोगों पर जो है नजर पड़ गई, सांप टीन में फंस गया। वरना समझ सकते हैं दोस्तों सांप कितना ज्यादा एग्रेसिव है, और अगर जो है घर के अंदर आ गया रहता तो वहीं नीचे पे चौकी भी था, लोग सोए हुए थे वहां पर, और सांप जितना एग्रेसिव है दोस्तों कि हो ना हो स्नेक बाइट हो सकती थी। तो देख सकते हैं यही कोबरा सांप है। हमें ऐसा लग रहा था कि इसने कुछ शिकार किया है जिस कारण से यह टीन में फंस गया है, लेकिन दोस्तों यह शिकार नहीं किया था, यह बिल्कुल भूखा था। यही है दोस्तों स्पेक्टिकल कोबरा सांप, और देख सकते हैं कितना गुस्से में है यह सांप। चूंकि फंसा हुआ था दोस्तों इस वजह से यह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, और बिल्कुल यह जंप लेने की मुद्रा में है, यह कभी भी जंप कर सकता है। तो हम जैसा अपने वीडियो में बताते हैं साथियों, हमेशा सांप है एक जहरीला प्राणी है, और ये जब भी बाइट करता है तो आपको सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाना चाहिए, तभी आपकी जान बचेगी। भूल से भी ऐसा कोई सांप काटे तो झाड़ फूक के चक्कर में ना रहे, और समय बिल्कुल बर्बाद मत करें, जितना जल्द से जल्द हो आप हॉस्पिटल जाए, अस्पताल जाए और ट्रीटमेंट कराएं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाए। तो गुस्सा आप देख सकते हैं इसका गुस्सा का लेवल क्या है दोस्तों, यही है असली कोबरा सांप, प्योर नाग इसी को बोलते हैं। क्योंकि यह भागना पसंद नहीं करता, इसे अभी खतरा लग रहा है तो यह फन फैलाकर हुड दिखाकर हमें चेतावनी देने वाले स्टाइल में बैठ चुका है, और इसे हम लोग अगर ज़्यादा परेशान करेंगे तो यह बाइट करेगा, हमला करेगा, और इसी कारण दोस्तों अक्सर यह सांप मारा भी जाता है या भागता नहीं है, खड़ा हो जाता है, जिससे कि लोगों को इसे मारने में सहूलियत होती है। लोग लाठी डंडा ले आते हैं और उसको बेचारे को पीट पाट के मार देते हैं। तो कभी भी ऐसा काम मत कीजिए। आप देख सकते हैं हम लोग भी यहाँ पर है, सांप को खतरा लग रहा है, सांप हमसे बराबर दूरी पर है इसलिए सांप भी कुछ नहीं कर रहा है।
कभी भी सांप को छेड़िए मत, सांप के नजदीक मत जाइए, खुद से उसको पकड़ने का हैंडल करने का कोशिश ना करें, ये एक्सपर्ट का काम है। इसे हम लोग पर छोड़ दीजिए। तो अभी देख सकते हैं इसका एग्रेशन आप, और देख सकते हैं अभी जब किसी भी समय यह हमला कर सकता है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह इस सांप ने हमला किया। तो क्या था कि हम कैप हिला रहे थे, इसे खतरा लग रहा था ज़्यादा, और जब से ही कैप इसके नज़दीक गए यह उस पर हमला कर दिया। तो चलिए अब इसको हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। बड़ा ही शानदार और ख़तरनाक जहरीला कोबरा सुबह सुबह लोगों ने देख लिया। बहुत दिन से आके नहीं पकड़ा। देख सकते हैं कितना एक्टिव है यह सब, बिल्कुल भी नजर नहीं हटा रहा है। यही है असली दुधिया नाग दोस्तों। तो चलिए इसे अब हम लोग रेस्क्यू करते हैं। बिल्कुल सुनहले कलर का कोबरा है। ओ दोस्तों देख सकते हैं सांप को किस तरह से पैक करते हैं हम लोग। ये एक बहुत रिस्की काम है दोस्तों, ऐसे में एक छोटी सी चूक जानलेवा हो सकती है। तो ये काम सिर्फ प्रोफेशनल का है। इस काम को थोड़ा शांति बनाइए आप लोग। तो सांप काफी एक्टिव है दोस्तों, मुंह निकाल सकता है अंदर से, इसलिए हमें इसे काफी सावधानी से रेस्क्यू करना है, क्योंकि एग्रेसिव है सांप, बाइट कर सकता है। तो बहुत सावधानी और बहुत धैर्य पूर्वक इसे करना होता है, सांप को भी खतरा नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं सांप बार बार निकलने के फिराक में है, बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन हमें भी काफ़ी सावधानी से इसे रेस्क्यू करना होगा। तो दोस्तों आपने देखा हमने सुबह सुबह घर में घुस रहा था यह सांप, और काफ़ी अच्छा हुआ कि यह तीनों के बीच में जो है टीन के प्रेशर से यह ज़्यादा आगे नहीं आ पाया, वहाँ अटक गया और लोगों की नज़र पड़ गई। वरना अगर इतना गुस्सैल कोबरा सुबह सुबह घर के अंदर भेंट हो जाता तो ज़रूर किसी को स्नेक बाइट हो सकती थी, क्योंकि सुबह सुबह लोग अक्सर नींद में रहते हैं, ठीक से नज़र नहीं खुलती है उनकी, और ऐसे में यदि सांप से आमना सामना हो जाता तो सांप उन्हें बाइट कर सकता था और एक गंभीर समस्या हो सकती थी। तो खैर लोगों ने अच्छा किया कि सांप को देखने के बाद और सांप फंसे होने के बावजूद सांप को मारना उचित नहीं समझा, लोगों ने हमें कॉल किया। हादसा इसी दरमियान होता है दोस्तों, आप सांप को मारने जाते हैं, सांप भी एग्रेसिव होता है और फिर आपको बाइट कर लेता है। तो कभी भी किसी भी स्नेक को खुद से हैंडल या मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें, हम जैसे स्नेक सेवर को कॉल करें और सांपों को रेस्क्यू करवाएं और हम लोग इसे पर्यावरण में छोड़ देंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली बार फिर से और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत।